नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा नतीजे ये साफ कर रहे हैं कि देश में बीजेपी या कहें एनडीए की लहर चल रही है। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को बहुमत मिला है, वहीं त्रिपुरा में भी बीजेपी को बहुमत मिल गया है। सवाल यह है कि अब क्योंकि इसे सेमीफाइनल की शुरुआत कहा जा रहा है, अभी कुछ बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं, ये जो चुनाव जगह जगह के नतीजे आते हैं, इनका असर क्या आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्यों में वापसी हो गई है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। हालांकि मेघालय में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच भी देंगे। पीएम ने चुनावों के दौरान कहा था, देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, और पीएम का ये चुनावी नारा सच साबित हुआ। त्रिपुरा और नागालैंड की जनता ने कमल खिला दिया है। तो वहीं चुनावी नतीजों का हरियाणा पर असर की बात की जाए तो बीजेपी नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि हरियाणा में फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। चिंता मत करें, गुजरात में हम 7 बार आए हैं, दिल्ली में 2 बार और अगले साल 3री बार हम दोनों जगह आने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजों से पहले गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था, और अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है या नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हर राज्य के राजनीतिक और जातीय समीकरण अलग होते हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में बीजेपी की लहर अभी भी कायम है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। नतीजे पूर्वोत्तर के, लेकिन हमें तो ये समझना है कि प्रदेश में इसका कोई असर रहेगा या इसकी चर्चा हो सकती है क्या, क्योंकि चुनाव अभी दूर हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रविंद्र ढोल कांग्रेस से हैं, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल, और सुनील मलिक आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविंद्र ढोल साहब के पास चल रहा हूँ। ढोल साहब, वैसे तो पूर्वोत्तर के चुनाव की बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक बायपोल हो या म्यूनिसिपल का चुनाव हो, उसकी बड़ी चर्चा होने लगती है। ये जो नतीजे आए हैं, क्या ये नतीजे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बीजेपी की लहर कायम है, बीजेपी की पूर्वोत्तर में जो पॉलिसी थी वो कामयाब रही है, कांग्रेस के लिए परेशानी बरकरार है, मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए वहां पे नॉर्थ ईस्ट केंद्रीय समय पर चैलेंजिंग समय है। जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हुए कांग्रेस को इसके अंदर हमारा मानना है कि आगे बढ़ने का जो है प्रयास भी करना चाहिए, और जनता की समस्याओं को, जनता के मत को समझते हुए वहाँ पर अपना काम भी करना चाहिए, अपना दायरा भी बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वहाँ पर, उनको शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ, लेकिन इसका कोई असर हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के आगामी चुनावों के ऊपर या फिर केंद्र के चुनावों के ऊपर, लोकसभा के चुनावों के ऊपर होगा, ऐसा संभावना किसी प्रकार की मुझे लगती नहीं है। यही बता दीजिए, क्यों नहीं लगती है? इसका कारण ये है कि मैं वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं और यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, दोनों में दिन रात का फर्क है, पहली बात। दूसरी बात जो है, यहाँ पर जिस प्रकार से जो है लगातार एंटी इनकम्बेंसी की जो बात चल रही है, वहाँ पर इसलिए चल रही है कि यहाँ पे लोगों को बहुत बुरी तरह से जनमानस को प्रताड़ित किया गया है, तो लोगों में रोष है यहाँ पे हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से इनकी दाल गलने वाली नहीं है, जनता यहाँ पर इनसे पहले ही इतनी ज्यादा परेशान है। यदि त्रिपुरा को कहकर के वोट मांगेंगे तो जनता इनको अपने आप ही बता देगी। नहीं, लेकिन वर्कर को भी तो बूस्टर डोज चाहिए होती है ना, इतना तो आप मानेंगे? आप निश्चित तौर पर चाहिए होती है, और वर्कर के लिए एक अच्छा समय रहता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी के वर्करों के लिए अच्छा समय रहता है जब वो सत्ता के अंदर आते हैं किसी भी राज्य के अंदर। और यही कारण है कि मैंने तो शुरुआत में अपनी बात शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। अच्छा काम करेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां पर इनको जीत भी हासिल हुई है, लेकिन इनकी जीत का ही हरियाणा के अंदर को फर्क लेकर के आएंगे, इम्पैक्ट को क्रिएट करेंगे, इस बात की संभावना 0 के बराबर है। चलिए ठीक है, क्योंकि अब ये सियासी अखाड़ा है तो हरियाणा की तो चर्चा होती है। रमन मलिक साहब, भाई आपने वहां पर जीत हासिल की है, अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन हरियाणा में वर्कर अभी तो उत्साहित हो सकता है, चुनाव में इसका कोई इम्पैक्ट हो जाए या ऐसी कोई चर्चा भी हो जाए, ऐसा नहीं है? साहब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर।
गोयल साहब ऐसा है कि इस चुनाव के लिए मैं एक तो वहां पे लगे सभी अपने बंधु कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी की विजन और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से जो ये काम हुआ है उसके लिए भी देश को भी और उन लोगों को जिनको मोदी जी में विश्वास है बहुत बधाई। लेकिन उसके साथ साथ मेरी व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को बहुत बड़ी चिंता आज सताने लगी और मैं बहुत चिंतित हूं। चिंतित इसलिए हूं सर क्योंकि हताशा का आलम इस प्रकार से फैलेगा कि इस देश को अगले कुछ महीने कहीं किसी भट्टी में ना झोंक दिया जाए ऐसा डर लगता है। जिस प्रकार से हालात दिखते हैं, चाहे वो ओवररीच किसी की भी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं, कुछ जुडिशरी में भी लोग हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और वो ऑटोक्रेसी चला रहे हैं और वो चलाना चाहते हैं। वो इस तरीके से हताश हो गए हैं आज कि उन्होंने ये एक तरीके से अपना दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस देश के अंदर दंगे फसाद ओवररीच हर तरीके से करी जाएगी। और मेरे को इस चीज का डर है क्योंकि सीधे तौर पे राजनीतिक विषय को रख के डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अपना विश्वास जता के इलेक्शन जीतना इनके बस का नहीं रहा है। इनके पास ना वो लीडरशिप है, ना वो कंटेंट है, ना इनके पास वो विजन है। इनको यही हथकंडे अब आजमाने पड़ेंगे। आज आप देखें, कुछ दिन पहले जैसे अजनाला में हुआ, आज बरेली के एक मौलवी तौकीर रजा ने जो धमकी दी है देश को कि हम मार्च करेंगे और जहां मन करेगा वहां रुकेंगे, जिस सड़क पे चाहेगा वहां नमाज पढ़ेंगे, जहां पे जो मन आएगा वो करेंगे, जिसके अंदर जो हिम्मत है कर लो। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र यहां पे पढ़े सारे के सारे जो प्रवक्ता हैं वो यहां हैं और सारे अलग अलग एक डेमोक्रेटिक पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हमारा देश का जो संविधान है क्या वो इजाजत ये देता है कि आप संविधान की आड़ के अंदर ऐसा माहौल बनाए जिसके अंदर अराजकता फैले, जिसके अंदर इस प्रकार का सिस्टम बन जाए कि जहां स्टेट और सिटीजन आपस में क्लैश हो? ये बड़ी चिंता के विषय है गोयल जी, क्योंकि इस चुनावी जीत के बाद, भाजपा की चुनावी जीत के बाद हताशा का आलम इस प्रकार से बढ़ेगा। और मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये मार्क करके रखें, किसी दिन 6 महीने 8 महीने बाद आपका जब मन करे तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा और उस समय के बीच में जो कार्यकाल में सारा घटनाक्रम होगा उसका आकलन कर लीजिएगा। ठीक है सर, और मैं भगवान से डर के बोल रहा हूँ ये आज। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हतोत्साहित है विपक्ष, इसलिए ऐसी ऐसी अराजकतावादी जो चीजें हो रही हैं उनको समर्थन ना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? हालांकि मैं चुनाव के मूल मुद्दे पर लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं एक बार दो और मेहमानों को शामिल कर लूं चर्चा में। विजेंद्र रेडू जी, हालांकि नॉर्थ ईस्ट का चुनाव था, 3 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं, मैं आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं वो मेरा थोड़ा सा प्रश्न ये है कि जैसे अब ममता बनर्जी कहती है मेघालय में हम 6 महीने पहले आए, हमें 15% वोट मिल गया। आम आदमी पार्टी कहती है जी दिल्ली और पंजाब के बाद वो गुजरात गए, गुजरात में उनको वोट परसेंटेज मिल गया। क्या ये जो तीसरी पार्टी या किसी नई पार्टी की एंट्री, मान लीजिए तीसरी पार्टी है, इसकी ओर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है क्या? भले ही वो नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा लेकिन झुकाव बढ़ रहा है क्या? गोयल साहब देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें जनता की भावना तो बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार जनता की भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है और जनता ही वास्तविक ताकत होती है किसी भी लोकतंत्र की, और उसको जो ठीक लगता है, अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने बगैर नाम लिए तीसरी पार्टी का यहाँ पर जिक्र करने के प्रयास किया, और वहां शायद मैं समझ रहा हूँ शायद आप पार्टी की तरफ इशारा कर रहे होंगे जरूर। तो हाँ, मैं नहीं मानता वरुण जी, आप मतलब मैं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस परस्पर के बीच में तीसरी पार्टी कोई भी,
हाँ नहीं, तीसरी पार्टी तो ये साफ है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है ना, जिस प्रकार से ये हरिपद यात्रा कर रही है वहां लोगों का भारी जनसमर्थन मिल रहा है और सैकड़ों सरपंच ज्वाइन कर चुके हैं और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ भैया सिंह चौटाला का स्वागत किया जाता है, जोरदार स्वागत होता है और पूरा का पूरा गाँव आकर के उनको मिलने का काम करता है। तीसरी पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ रही है 2024 में हरियाणा प्रदेश में। और जहां तक हमारे ईस्टर्न स्टेट्स की बात है, जो रिजल्ट आए हैं वरुण जी, उसका और हरियाणा का 1% भी मेल नहीं है। आप देखिए, जो किसान आंदोलन का सेंटर बिंदु था वो हरियाणा था, त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में वहां इस तरह की कोई बातें हमें सुनने को नहीं आ रही थी। उन लोगों को ये नहीं पता कि इस सरकार ने क्या क्या ज्यादतियां लोगों के साथ करने का काम किया है। इसी प्रकार से चाहे अग्निवीर का मामला था, उसका सेंटर पॉइंट भी हरियाणा प्रदेश ही था। और जिस प्रकार से आज सरपंचों के साथ प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों को 100-100 सरपंचों को घायल कर दिया, जिसमें 15-20 सीरियस भी हैं, तो ये वहां घटना नहीं है। यहाँ हरियाणा प्रदेश में क्या है कि प्रयोगशाला बना दिया हरियाणा प्रदेश को, नए नए प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे स्कूलों में लैब हुआ करती थी, आज हरियाणा प्रदेश की लैब बन चुका है और लैब के रूप में काम करते हैं। सफल हो गए तो ठीक, नहीं सफल हुए तो बोलेंगे हमसे गलती होगी, हम लोगों को समझा नहीं पाए, हम माफी मांगते हैं और अपने फैसले को वापस लेते हैं। पूरे 9 के 9 साल जो है हरियाणा प्रदेश को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कभी कुछ नहीं लेकर के आते हैं, कभी कुछ सरकार नहीं पॉलिसी लाई, अच्छी बात है, लाना चाहिए, होना चाहिए, बट कोई करेगा आते हैं जिसके लिए लेकर के आते हैं, कम से कम उनका कॉन्फिडेंस तो ले। अरे ये ऑटो क्रेडिट की बात कर रहे हैं हमारे भाई, ऑटो क्रेडिट सरकार ने पैदा कर दिया प्रदेश में। सुनो एक मिनट रमन भाई, आप विद्वान पुरुष हो, 2-5 सेकंड और रुकिए। आपको मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या कोई भी फैसला करता है, आपने घर की मैं बात करता हूँ, घर में अगर भैंस खरीदनी है तो पहले परिवार से सलाह की जाती है, भाई ये प्लानिंग है, मकान बनाना है प्लानिंग बनती है, घर में सलाह करते हैं। घर का ही एक बड़ा आकार स्टेट है, स्टेट में जुड़े हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब वो कोई नई नीति लेकर के आते हैं, नई योजना लेकर के आते हैं, क्या उससे जो अफेक्टेड ग्रुप है उसको शामिल नहीं करना चाहिए या उसे सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए? और यदि वो खुश नहीं है, जब 5-6 हजार सरपंच वहां धरने पर बैठे थे, इट मीन्स के सरपंच इस नई प्रणाली से खुश नहीं है, तो सरकार क्या तो बात नहीं मानने की? चलिए ठीक है, जवाब आ गया रेणु साहब, जवाब आ गया आपका। क्या सरकार को बैक स्टेप लेने में शर्म आनी चाहिए? मुझे सरकार से मुझे सुनील मलिक को चर्चा में लाना है, एक बार रमन जी काउंटर कर दे फिर आता हूँ मैं। ठीक है रमन जी काउंटर कर दीजिए, फिर सुनील बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए दो चीजें मैं बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा, एक तो रेडू साहब जब घर के अंदर बड़े बुड्ढे बैठे होते हैं, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी ये होगा कि वो जो बनाना होता है ना मकान, वो फिर बना देते हैं, जितने लोगों को कमरा चाहिए होता है उनके लिए कमरे भी धर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। यही हमारे हरियाणा की खूबसूरती है कि बड़े बूढ़ों को हम आज भी इज्जत देते हैं। हम ऐसी ऐसे लोग नहीं है जो अपने बड़े बूढ़ों को हांड के फेंक दें, हम वो लोग नहीं है और उनकी कई भी बात का रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल स्कोप है वो भी ऐसा ही कुछ है कि जब जनता ने चुना, जनता को ये विश्वास है कि जो ये लोग हैं वो पॉलिसीज अच्छी बनाते हैं। और हम लोग अगर कहीं हमारे घर के लोगों को बुरा लगता है, हमारे घर की जो 2.5 करोड़ से ऊपर फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कब जब कोई चीज बुरी लगती है या अच्छी नहीं लगती, तो हम पीछे हटने से कभी नहीं रुकते। एक तो वो चीज, और दूसरी चीज आपको ये बता दूं गोयल साहब कि ये जो तीसरी पार्टी का विषय आप कर रहे थे, ये तीसरी पार्टी वो है जो एक गुब्बारा जो था ना कांग्रेस वाला, वो हो गया फुस। तो वो आप तीसरी पार्टी किसको मान रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को या आम आदमी पार्टी को? जो कांग्रेस की फुस जगह को कब जाने की कोशिश करते, कुछ तो हमारे पास आ जाते हैं लोग और कुछ ऑल्टरनेटिव। आप भी तो किसी को मान रहे होंगे ना? हम किसी को नहीं मानते जी। अच्छा नहीं मानते, थर्ड किसी को मानते हैं? सारे बराबर हैं। चलिए हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। हमारे लिए कांग्रेस भी थर्ड स्पेस पे है, हमारे लिए अरे नहीं, कांग्रेस को तो सेकंड रखिए सर, मुकाबला तो उसी से आप, ऐसे तो ना करिए। सुनील मलिक के पास आता हूँ फिर। जी जी, सबसे नंबर वन पे तो जनता है, उसके बाद हम। अच्छा उसके बाद ये तीसरी स्पेस। अब आपने ऊपर एक बढ़ा दिया तो बात अलग है। सुनील मलिक मेरा एक सवाल है आपसे, तीसरी पार्टी की चर्चा हो रही है, मैं साथ में एक आंकड़ा देना चाहता हूँ।
नागालैंड में कांग्रेस की सीटें 21 से घटकर 4 रह गई, त्रिपुरा में आंकड़ा 8 से घटकर 3 पे आ गया और मेघालय में 0। आप कहते हैं कि आप विकल्प हैं, तो इस तरह के प्रदर्शन से आप विकल्प बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति वहां राज्यों में तो है नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए वरुण जी, पहली बात तो चर्चा हरियाणा को लेकर है। हम एक चीज मैं पहले बता दूं, आम आदमी पार्टी नागालैंड मेघालय त्रिपुरा में चुनाव नहीं लड़ी है, उसके बाद मैं तो उसके असर की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद भी कांग्रेस की बुरी दशा हुई है। हाँ। और यहाँ भी रमन मलिक जी बैठे, रविंदर धूल जी बैठे थे, इन दोनों की बातों से भी यही लग रहा था कि ये अभी निराशाजनक ये भी है, खासकर रमन मलिक जी तो काफी निराशाजनक है क्योंकि इनकी बातों से मुद्दा 24 की तैयारी को, लेकिन इनके पास कुछ फैक्ट नहीं है। ये मुद्दे को डाइवर्ट करके कभी अजनाला पे जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, आपके पास कोई खालिस्तानी आम आदमी पार्टी 24 में ठीक है रमन मलिक जी, नहीं है आपके पास ना ही, आप बता दीजिए कहां थे अमित शाह दिल्ली के टाइम, कहां थे प्रतापपुर, क्यों वो फिर दफ्तर को कहना पड़ा कि 4 लाख का मान नहीं जाएगा भाई, जनसंख्या कितनी कितनी की घोषणा कर दो बुलाओगे, क्यों झूठ बोलते हो आप लोगों ने, क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या आपको, पता है दोनों बढ़िया मत, दोनों मलिक साहब से गद्दारी से लड़िए मत, हर कोई आपसे नाराज नहीं है, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, विषयांतर हो गया, ये पूरी तरह विषयांतर हो गया। सुनील मलिक बात खत्म करिए, फिर रविंद्र ढोल के पास चलते ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके पास, रविंद्र मलिक साहब दोबारा मौका दूंगा, प्लीज सुनील कंप्लीट करिए। जी जी हाँ वरुण जी, एक चीज मैं एक और चीज कांग्रेस के लिए बता, कांग्रेस ने बार जोड़ यात्रा की, उसके बाद आज से हाथ जोड़ो, वो आज से हाथ जोड़ो अभियान संगठन के अभाव में दम तोड़ गया, और फिर बाद में उनको एक डेलीगेट का झुंझुना थमा दिया कांग्रेस वालों ने कि तब तक चुनाव नहीं आते 24 तक इन झुंझुने को बचाओ और खुश रहो। तो सबको पता है कांग्रेस और बीजेपी आज के टाइम निराशाजनक माहौल में डूबे हुए हैं, और ना ही कांग्रेस का हम लोग चुनाव नहीं लड़ा, पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस तो खुद ही खत्म हो रही है, हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस तो अपने आप खत्म हो रही है। ठीक है, रही से कसम 24 में पूरी कर देंगे, ठीक है सुनील, और एक सेकंड में सिर्फ एक सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा, सिर्फ आखिरी 30 सेकंड, वही आपको भी देखो एक चीज आपको दिख रहा है कि आज के टाइम में जिला परिषद चुनाव में इनेलो से ज्यादा हमें वोट मिला, तो जाहिर सी बात है अभी नंबर 3 पे हम ही है। बोल जी आपको भी इस चीज के लिए खुल के बोलना चाहिए, नतीजे नहीं दिखाए क्या, नतीजे छुपा तो नहीं लिए होंगे मैंने, ठीक है ना जी, ठीक है। मैं रविंद्र ढोल साहब, देखिए ये जो नतीजे आते हैं आप कह रहे हैं इसका कोई इम्पैक्ट हरियाणा में नहीं होगा क्योंकि चुनाव भी बहुत दूर है, मैं ये समझना चाहता हूं जब सुनील मलिक या विजेंद्र रेडू जी इनकी पार्टियां ये जिक्र करें कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का क्या हाल हो गया, तो कांग्रेस का विकल्प तो हम हैं, बीजेपी के सामने असली मुकाबला करने वाले हम हैं, ऐसी एक परिस्थिति बनती है या बनाने की कोशिश होती है, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो इनका स्वागत करता हूं, इनको नॉर्थ ईस्ट में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए था, इनको पता लग जाता कि कौन किसकी कहां कितना मजबूत है वहां पर। जहां तक बात इनकी हरियाणा की रही, देखिए आम आदमी पार्टी आज के दिन में 2 राज्यों में है, 2 राज्यों के बारे में ना आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है, ना ही बाहर निकालने के इनको प्रयास करना चाहिए, जितने वोट इनके आदमपुर में आए इतने वोट पूरे हरियाणा में आ जाए अगली बार उपचुनाव मेन चुनाव में, तो वो गनीमत मानिएगा, दूसरे तीसरे चौथे नंबर की तो बात दूर की बात है, इन्हें लोग कहीं ज्यादा इनसे आगे है हरियाणा के अंदर और रहेगी। इनको सुबह शाम दिन रात कांग्रेस के सपने आते हैं, उस स्वप्न के अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं, जहाँ भी सरकार के लिए उनकी गलती नहीं है भाई, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में उन्होंने आपको पदस्थ किया ना, कांग्रेस का विरोध नहीं, वरुण जी सुनिए 24 घंटे कांग्रेस का विरोध, चाहे हरियाणा हो चाहे गुजरात हो चाहे केंद्र हो, भाजपा तो इनको दिखती नहीं है, भाजपा के तो समर्थक है, वो कह रहे हैं आप भूमिका निभा नहीं पा रहे ना, ऊपर लगाया था ऊपर मोदी नीचे के प्रोटेस्ट, मुझे याद है उनका नारा ने किया, इनका नारा वरुण जी आपको याद है, आपको याद है आम आदमी पार्टी के सबसे पहले आधिकारिक नारा था इनका, ऊपर मोदी माफी मांग ली थी उन्होंने, नहीं बताएंगे बड़ी पुरानी बात निकाल रहा है आप, नहीं था नहीं नहीं इन्होंने इन्होंने भी माफी बोला था, गलती से किसी ने पोस्ट कर दिया, नहीं नहीं गलती गुलती टीम के उत्साही लड़के ने पोस्ट कर दिया, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर था, गलती नहीं हुआ करते,
ये तो जब इनकी प्रोपेगेंडा असलियत लोगों के सामने आई तो डर करके इन्होंने वापस लिया था। इनका सच्चाई एजेंडा केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे सपोर्ट करते हुए चल रहा, जहां पर इनको पीछे जाना पड़ता है वहां पर जो है ये हट जाते हैं चुनाव से। जैसे ये भागे हिमाचल प्रदेश से, इनको देखा कि भाई दाल निकलने वाली, भाग जाओ यहां से, सामान उठाया और गायब। हरियाणा से भी सामान उठा गया, ऐसे गायब होंगे जैसे पिछली दो चुनावों में लगातार हुए हैं। तो इनका तो जिक्र करना बेकार है। मलिक साहब, उसका हाल बहुत 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 मैं कहता हूँ बड़ा दुख होता है कि पंजाब जैसा के दिन में आम आदमी पार्टी के पास है, बहुत दुखद है। आपको तो पता है हकीकत, कांग्रेस का नहीं इतना मजबूत स्टैंड है। मैं ये कह रहा हूँ यही बीच में कट मत कीजिए, ये गलत तरीका है, बीच में कभी मत कट कीजिए। मैं लास्ट कमेंट कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है कि पंजाब जैसा सेंसिटिव जो राज्य आज के दिन में आम आदमी पार्टी के पास है और उसका नतीजा आज के दिन में सारा नॉर्थ इंडिया देख रहा है, हमें सबको दिख रहा है। और हम तो प्रार्थना करते हैं सब कुछ वहां पर ठीक रहे, लेकिन बंदर के हाथ में उतरा है, सच्चाई तो है ही। अच्छा ठीक है, मैं तो एक बार विजेंद्र रेडू जी का कमेंट ले लूं। विजेंद्र रेडू जी, रेडू साहब भाई, ये जो बात हो रही है नंबर दो पे कौन या नंबर तीन पे कौन, इससे फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? देखिए ऐसा है, अभी आप पार्टी की मैं बात करूं, मलिक साहब से निवेदन है कि बाद में बोलेंगे, ये जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जी की अरेस्टिंग हुई है, और मैं आज गूगल के ऊपर पूरा सर्च निकाला, इसका पूरा डिटेल में स्टडी किया, और साउथ ब्लॉक को ला करके दिल्ली में उनको इंचार्ज बनाया जाता है पॉलिसी के द्वारा, इसी प्रकार से पंजाब में भी बना दिया था, जो सोमवार को ही अरेस्टिंग के ठीक बाद ही उस पॉलिसी को हटाने का काम किया, यानी कि बाहर के लोगों को ला करके बर्दून को मुखिया बनाना और उस मुखिया के थ्रू जो है करप्शन करना, ये सब के सामने पूरे देश के सामने आ चुका है। हजारों करोड़ रुपए का इस शराब घोटाले में करप्शन, मैं भी नहीं मानता था, मैं भी मानता था कि बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं, ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो गूगल के ऊपर मैंने स्टडी किया, थोड़ा दुरुस्त करें अपनी एक बार, मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से खेला खेला गया है। और ये पार्टी मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी से आगे जाएगी और बीजेपी से बड़ा इनाम ये प्राप्त करने का काम करेगी। बीजेपी में भी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है, अभी हर जगह, हर दफ्तर में, हर कॉर्नर में, हर जगह भ्रष्टाचार से काम हो रहा है, लेकिन ये बड़े चतुराई से कर रहे थे जो सीबीआई के सामने लाने का जवाब, फिर मैं रमन मलिक के पास जाऊंगा। ठीक है, जो ना डाउन फॉलिंग शुरू हो गया, और जैसे रमन जी ने जिक्र किया अजनाला कांड का, अरे भाई एक ऐसा व्यक्ति जो खालिस्तान के नारे लगाता है और पूरी सरकार को धक्का बता करके अपने साथी को छुटा करके ले जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो क्या ऐसे देश में शांति कायम रहेगी, क्या लोकतंत्र कायम रहेगा, क्या संविधान की रक्षा हो पाएगी इस प्रकार से? और मान साहब कहते हैं कि जो है ना हम तो बरी कर देंगे और चले उनको बरी कर दिया जाता है, तो कहां? और अगली बात, आप पार्टी हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज तक ये सुनील हमारा छोटा भाई बैठा है, आज तक इन्होंने एक बार भी आत्मा की आवाज से ये कहा हो कि एस वाइन पर हरियाणा का हक है, इन्होंने ये कहा हो कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, इन्होंने ये कहा हो कि यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक है। हमने बार बार आपके चैनल पर पूछा यार, अरे भाई तुम तो कह दो हक है, लेकिन ये फिर भी बोल रहे हैं की कांग्रेस का तो कोई निकाय में चेयरमैन भी नहीं है, हमारी पार्टी का चेयरमैन भी है, जिला परिषद में आपसे ज्यादा सीटें लेके आए हमें, तो आप लोगों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हमारी 5 सीटें बीजेपी से है और वो भी बीजेपी आजकल भ्रष्टाचार की बात, जेबीटी भर्ती घोटाला सबको पता है, और आय से अधिक संपत्ति के कितने मामले चल रहे हैं सबको पता है, तो आपके मुंह से ये भ्रष्टाचार के लिए पूरे जो आप ज्ञान दे रहे हो शोभा नहीं देता है। इन लोगों को पहले अपने अंदर भी जांचना चाहिए कि कितने भ्रष्टाचार हमको डूबे हुए थे सरकार के टाइम पे, कितना लोगों को लूट खाया, तो आप लोग खुद देखिए, उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों को आप उंगली उठाने का काम कीजिए, इससे पहले ऐसी चीजें ना कीजिए। रही मैं डोल साहब की बात है, पंजाब का बार बार जिक्र करें, डोल साहब पंजाब में इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, इससे पहले ऐसे बहुत सारे मामले आए कानून व्यवस्था को लेके, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो चीजें मजबूत बनाए रखी, जो गैंगस्टर कांग्रेस ने अकालियों ने पाल रखे थे, आम आदमी पार्टी सबको ठिकाने लगाने का काम कर रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये कुछ है जो मामला है उन्होंने विश्वास दिला था और पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करी है, ये सबको पता है। रही बार बार नालाकांड और
एक बॉर्डर स्टेट है तो बॉर्डर स्टेट में सरकार आ गई तो क्या हुआ, ऐसे तो और पार्टियों की सत्ता रही है, तो इसका मतलब एक पार्टी आप लोगों को हम पता नहीं आम आदमी पार्टी से क्या दिक्कत है, ऐसा लगता है जैसे हाथी पा के बैठ गए देने के चक्कर में जेल में गए 10 साल की सेल, जेल जो है संवैधानिक तरीके से पूरी करके आ गए, क्या होगा उनके भ्रष्टाचार के मामले सब एक साथ बोलते तो आवाज नहीं आती है। उन्होंने फाइनेंशियली किसी प्रकार का कोई सुन ले भाई, छोटे भाई सुन ले, मैंने बड़े प्यार से सुना आपको, अब क्या बोलिए मंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने केवल मात्र नौकरियां दी थी। विजेंद्र की सुनील लग गया, सुनील की जगह विजेंद्र लग गया, सिर्फ ये मामला जो इस मामले शराफत का सब फायदा उठा लेते मैं क्या करूं, ठीक है लेन देन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने 7% का मार्जिन विजेंद्र जी 5 से 12 बढ़ा करके 7% का मार्जिन देखिए सबसे पहले तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति को एक कैबिनेट मंत्री का घर देते हैं कि कैबिनेट मंत्री के नाम पे वो अलॉटेड है, लेकिन रिहायश एक व्यक्ति विशेष की होती है जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो उसका मुख्यमंत्री के साथ कैसा रिश्ता होगा ये आप समझिए। वो व्यक्ति का नाम है विजय नायर, ये विजय नायर वो है जिसने पैसे लिए, तो ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने पास एक रमन मलिक जी क्या उसके पे आप बोलते क्या, क्योंकि उनका कोई तथ्य नहीं है आपके पास, अपने आप फंसना नहीं चाहते, तथ्य नहीं है जी, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, आपके बारे में नहीं बोला था, आप तो काफी समझदार सुलझे, अपने आप जवाब लिख लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं बार बार आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं या उसके अगेंस्ट है, अगर अगेंस्ट हैं तो ये इसकी भर्त्सना करिए जो अजनाला में हुआ, एक भी नेता ने उसकी भर्त्सना नहीं करी, नहीं मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके निंदा की है सर, लगता आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, यही तो कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होना, आईटी सेल के चक्कर में मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होना आम आदमी पार्टी के फंक्शनरी को करना दोनों अलग है, आम आदमी पार्टी पे कड़ी कार्रवाई करनी है, प्लीज एक बीच में मत बोले आपके आपके गुजरात गुजरात का बताओ वहां पे गला खराब से हो शराब चोर सिसोदिया जो अंदर गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो शराब चोरी के लिए शराब बताने के लिए, तुम लोगों को मारने का काम कौन तय करेगा, ठीक है दोनों रुक जाइए वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है आप उससे ऊपर आई है, ये जो इलेक्शन है इससे हताशा इतनी हो रखी है और इतने ये एंटी सोशल एलिमेंट उन्होंने पाल रखे हैं, पूरा पंजाब बर्बाद करके रखा हुआ है, ये अपने बारे अपने ये अभी भी दे रहे हैं चरित्र, सुनील जी अपना चरित्र ऐसा मत दीजिए, अपनी बारी में बोलिए, मैंने आपको नहीं रोका था, ठीक है मलिक साहब ठीक है जी जी जी, मेरे को अपना वक्तव्य कंप्लीट करिए सर, उसके बाद पॉलिटिकल जो इनका पॉलिटिकल बैंकरप्सी है वो इस हालत में पहुंची हुई है कि अब ये हताश हो चुके हैं, और ये इनके लिए पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल कैपिटल पैसा है इनके लिए, ठीक है मलिक साहब मैं लौटता हूँ आपके पास, आशीर्वाद नहीं है जी जी जी, मैं और यही फर्क है, ठीक है रविंद्र ढोल, मैं रविंद्र ढोल के पास चलते हैं, रविंद्र जी मुझे ये बताइए कि भाई क्या ये जो चुनाव है इसे सेटबैक के तौर पर देखा जाए, लर्निंग लेसन के तौर पर देखा जाए, या छोटा चुनाव है, 3 राज्यों में कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटें हैं, उस लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, नॉर्थ इंडिया के इम्पैक्ट से बहुत दूर दूर है ये। देखिए नॉर्थ इंडिया के इम्पैक्ट से नेचुरली जो है वहाँ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट नॉर्थ इंडिया की राजनीति ना तो मेल खाती है ना कोई मतलब है, लेकिन ये कहना कि चुनाव छोटा है, चुनाव कोई भी छोटा नहीं होता, छोटा चुनाव बेशक से थोड़ी सीटें हों इससे लर्निंग लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि जो भी कमी पेशी रही है, जो नेतागण जो नाराज हुए किसी कारण से जो है उन्होंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, या जो भी पार्टी को इसके अंदर रणनीति के ऊपर पुनर्विचार निश्चित तौर पर करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि करेगी भी, तो हम इसको बिल्कुल भी छोटा चुनाव मान करके नहीं चल रहे, कांग्रेस पूरी तरह से चर्चा वापस लौटी, आपके बड़े नेता प्रचार करने नहीं गए, प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, बाकी चर्चा फिर शुरू हो गई है,
निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ आपको, यदि कोई कमी पेशी रही है, उसकी चर्चा चली है, तो निश्चित तौर पर उसका सुधार करने का काम किया जाएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करूँ। चलिए बिल्कुल, मैं 20-20 सेकंड दूंगा बचे हुए तीन मेहमानों को। सबसे पहले सुनील मलिक, सिर्फ 20 सेकंड लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र डोल जी काफी सुलझे प्रवक्ता है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो कमियां हैं सुधार की जाएंगे। हालांकि मैं हर चुनाव होते हैं जाते उसके बाद रविंद्र डोल जी यही कहते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई सुधार नहीं होता, उनके नेताओं को कोई फर्क भी नहीं पड़ता लगता है, उन्होंने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी सुपर नहीं ले रही, तो फिर ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ गई इसलिए हम हार गए। ये तो वैसे भी हर जगह ही आ रहे हैं, चाहे हम जाए चाहे ना जाए, ये तो हरियाणा में यही होगा, और तो वही स्थिति है। तो आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आज के नतीजे, बीजेपी और मजबूत हुई है, कांग्रेस और कमजोर हुई है, या फिर इसका कोई, इसकी चर्चा उत्तर भारत में करने का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ओवरऑल तो बीजेपी की भी सीटें घटी हैं, त्रिपुरा में घटी हैं और नागालैंड में भी सीटें घटी हैं। जो इन्होंने सरकार को रिटेन किया है, तो सरकार बनाई नहीं है उन्होंने, पहले से चलो रिटेन करके सरकार को, लेकिन ओवरऑल सीटें इनकी घटी हैं वहां पर, पहले से काफी सीटें घटी है। त्रिपुरा में मेरे ख्याल से 10 से 15 सीटें इनकी माइनस में गई है, तो ये नहीं क्या है इन्होंने लूज किया है वहां पर, लूज ही किया है। और जहां तक 4 सीटें माइनस में गई है, आप कंप्लीट कीजिए। जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, आपने कहा कि लर्निंग लेसन है या कुछ और है, लर्निंग लेसन तो देखो कांग्रेस की तो टेक्स्ट बुक खत्म हो चुकी है, क्योंकि सब पूरी इंडिया की यात्रा होगी और यात्रा के बाद सभी मान लेते हैं शायद कुछ बेनिफिट मिलेगा कमिंग इलेक्शन में ना, लेकिन लेकिन नहीं मिला, तो इसका मतलब तो लर्निंग लेसन ही टेक्स्ट बुक में खत्म हो चुकी है। इम्पैक्ट इन चुनावों का आने वाले चुनावों में, बहुत छोटे में बोलिएगा। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को जहां सीटें घटी हैं वहां पे हमारे को देखना, चाहे 4 भी घटी हो उसको हमको देखना जरूरी है। हम हमेशा उसको उस नजर से देखते हैं और चले वेती चले वेती चले वेती, ये हमारा मूल मंत्र है। लेकिन फैक्ट यही रहेगा दोनों विषयों का कि जहां कांग्रेस हार रही है वहां पे कांग्रेस का गुब्बारा जो जो छोटा होता है दूसरा गुब्बारा पिटोने की कोशिश करता है, और जो मेन विषय है 2024 उसका यही रहेगा इम्पैक्ट कि हताशा चरम सीमा पे पहुंचेगी और देश को अब तैयार रहना चाहिए कि इनके और इनके गुर्गों के द्वारा करी हुई करतूतों को जल्दी देखना चाहिए हर जगह। बहुत 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 धन्यवाद, माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।